बहुत ही ज़्यादा ये लोग हैप्पी है। सो गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। एंड जैसा कि आपको पता है, यहाँ पे सारे फिंचेस है, यहाँ पे व्हाइट फिंचेस है। सो दोस्तों, इसमें जितने भी फिंचेस थे सबको मैंने पकड़ लिया हूँ, और देख सकते हो यहाँ पे इसमें रखा हूँ। ये देखो यहाँ पे ये सारे अंडे खराब हो गए हैं। कितने सारे अंडे हैं दोस्तों, इस वाले मटकी में भी एक अंडे है। वाव, इसमें भी बहुत सारे अंडे हैं, बट ये सारे अंडे दोस्तों खराब हो गए हैं। इसके ऊपर बैठते नहीं थे, देख सकते हो पूरा अंडा खराब हो गया दोस्तों। मतलब सारे मटकी में कुछ न कुछ अंडे है और एक भी अंडा ठीक नहीं है। तो दोस्तों पूरा अंडा ठंडा हो रखा है, क्योंकि ये लोग बैठते ही नहीं थे अंडे के ऊपर, तो कैसे फर्टाइल होगा? अंडा के ऊपर बैठने से अंडा गर्म होता है, हीट होता है, उसके बाद इसमें से बच्चे चूजे निकल के आते हैं। बट ये लोग बैठते ही नहीं थे अंडा के ऊपर, सिर्फ बाहर में बैठते थे। नेस्टिंग देख सकते हो दोस्तों, ये जो नेस्टिंग है ऐसे बाहर में नेस्टिंग करके बैठे थे वो लोग। तो ऊपर में इतना ज़्यादा ठंड का मौसम है तो पॉसिबल ही नहीं है। तो देख सकते हो कितना ज़्यादा फिंच लोग अंडा दिए है। 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, टोटल 13 अंडे हैं, बट एक भी अंडा ठीक नहीं है, सब अंडा खराब हो गया है। तो ये सारे अंडे को फेंक दूंगा। तो जितने भी फिंचेस हैं, ये सारे फिंचेस को मैं इस वाले एवेरी में रिलीज करने वाला हूँ, और काफ़ी बड़ा स्पेस मिलेगा ये लोग को। यहाँ पे गेट भी बन के रेडी हो चुका है। एंड दोस्तों, फाइनली सारे फिंचेस को रिलीज कर दिया हूँ। बहुत ज़्यादा गंदा हो गया था और सबको सेट करते करते बहुत रात हो गया, इसलिए लेट हो गया। और तो देख सकते हो सारे फिंचेस यहाँ पे बैठे हुए हैं, क्योंकि बहुत बड़ा स्पेस मिल गया है लोग को फ्लाई करने के लिए। देख सकते हो दोस्तों, में से मैं पेयर को निकालूंगा और फिर इस वाले बड़े से जो एवेरी इसमें रिलीज कर दूंगा। तो पहले इसको देख लेते हैं इसमें कौन से पेयर है, क्योंकि इसमें मैक्सिमम मेल लग रहा है मुझे। ये फीमेल है, ये वाला भी फीमेल ही है। बहुत डिस्टर्ब करता है इतने बड़े से, जब इतने छोटे से बर्ड्स है ना दोस्तों, पकड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है, और डर भी लगता है कहीं जोर से चोट ना लग जाए, मर भी सकता है ना दोस्तों। इसलिए देख सकते हो कितने ज़्यादा से, जा उड़ गए वहाँ से। फाइनली मैंने इसको भी पकड़ लिया हूँ और यहाँ पे छोड़ दे रहा हूँ इसको। एंड इसके साथ ए वाला जो है ना, ये मेल, इसको भी मैं पकड़ लेता हूँ, मेल को वहाँ पे डाल देता हूँ दोस्तों। ये भी मेल बहुत अच्छे हैं। एंड ये भाई, आजा आजा आजा, फाइनली पकड़ लिया ये मेल को। एंड छोड़ सो दोस्तों, देख सकते हो मैं सारे फिंचेस को यहाँ पे रिलीज कर दिया हूँ। बहुत ही अच्छे होते हैं सारे फिंचेस। एंड यहाँ पे जो दो रह गया है, इसको भी सोच रहा हूँ इधर ही डाल देता हूँ, क्योंकि अलग अलग इसको सीड्स देना सुबह में पानी चेंज करना पॉसिबल नहीं होता है, टाइमिंग बहुत कम होता है दोस्तों, टाइम नहीं मिलता है सुबह में। इसलिए मैं सोच रहा हूँ एक जगह रहेगा तो आसानी होगा। यहाँ पे और 4 प्लेयर्स को रिलीज़ किया हूँ, तो इसमें और मटकी चाहिए। तो इस साइड से या उस साइड से मैं देख रहा हूँ कहाँ पे मटकी देना बेटर होगा, उस वाले कॉर्नर पे भी दे सकते हैं दोस्तों मटकी। सो देखते हैं कहाँ देना सही होगा।
क्योंकि उधर देने के लिए ड्रिल करना पड़ेगा। तो दोस्तों यहाँ पे कुछ बजीज के चिक्स हैं जो कि एडल्ट हो चुके हैं और ये सारे रेडी हो चुके हैं अभी दोस्तों, सारे के सारे एडल्ट हैं एंड इसको मैं सोच रहा हूँ सेल कर दूंगा। तो आप लोग किसी, आप लोग को अगर चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करो अपना, देख सकते हो कितने ज़्यादा हेल्दी है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में आप लोग के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू, गॉड ब्लेस यू। ऑलमोस्ट सारे फिंचेस जो हैं दोस्तों यहाँ पे मटकी के अंदर जाना स्टार्ट कर दिए हैं। मैंने देखा हूँ बहुत सारे फिंचेस मटकी के अंदर में गए थे एंड बहुत सारे अभी बाहर में हैं, तो देख सकते हो दोस्तों, वाओ। यहाँ पे कुछ पालक का पत्ती है जिसको मैंने दिया था खाने के लिए दोस्तों, एंड सारे फिंचेस वहाँ पे बैठे हुए हैं, देख सकते हो दोस्तों। अभी चलते हैं बाहर। बजिस का तो अपना ही एक स्पेस है एंड बजिस के लिए स्पेस बहुत ही ज़्यादा है। इस साइड से मैं इसको कवर कर दिया हूँ इसलिए कि ठंड का मौसम है अभी, तो इधर खुला रहना ठीक नहीं है क्योंकि हवा आता है।